जहां साउथ इंडस्ट्री में बाहुबली प्रभास के करोड़ों फैंस हैं, वहीं इंडियन सुपरहीरो क्रिश यानी ऋतिक रोशन की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। इन दोनों के ही फैन इनकी हर आने वाली फिल्म के लिए दिल थाम कर इंतजार करते हैं। तो इन दोनों के फैंस के लिए ही एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरें हैं कि बाहुबली के निर्देशक राजामौली जल्द ही लंकापति रावण पर बायोपिक फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें उन्होंने राम के रोल में ऋतिक और रावण के रोल में प्रभास को चुना है। जी हाँ, जल्द ही ये दोनों सुपरस्टार स्क्रीन पर भिड़ते नजर आएंगे और इन दोनों को स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए सभी काफी एक्साइटेड हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन दोनों की इस अपकमिंग फिल्म के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही अपने फेवरेट एक्टर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लंकापति रावण के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था और अब तक का सबसे बड़ा विलन होकर भी एक अच्छा इंसान था। वो राम जी के खिलाफ तो लड़ा पर आखिर में उनसे माफी भी मांगी। इसी महान पौराणिक शासक के जीवन से प्रभावित होकर बाहुबली फिल्म के निर्देशक राजामौली इनके ऊपर बायोपिक बना रहे हैं। हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म RRR की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद से ही इनकी अपकमिंग फिल्म रावण की चर्चा जोरों से है, जिसमें उन्होंने रावण के रोल के लिए प्रभास को फाइनल किया है और ये फैसला बाहुबली फिल्म में प्रभास की छवि को लेकर उनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर किया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो रावण के कैरेक्टर को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। वैसे अगर रावण की बात हो रही है तो राम जी का जिक्र भी होना लाजमी है और फिल्म में प्रभास के ऑपोजिट राम के किरदार के लिए उन्होंने ऋतिक रोशन को कास्ट किया है, उनके शांत स्वभाव और गुड एक्टिंग स्किल्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह पहली बार दो सुपरस्टार्स एक साथ एक ही फिल्म में एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देंगे। बात करें फिल्म की कहानी की तो रावण के जीवन पर बनने वाले इस फिल्म को तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस पर बनाया जाएगा, जिसमें राम जी के साथ रावण के चरित्र के बारे में भी लिखा हुआ है। इसलिए इस फिल्म को रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि कैसे अपनी बहन शूर्पणखा के प्यार में रावण ने सीता जी का हरण किया पर उसका मान हमेशा बनाए रखा। फिल्म में उनके इसी नजरियों को दिखाने के लिए फिल्म के मेकर्स काफी रिसर्च और मेहनत कर रहे हैं। अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो रावण के रोल में प्रभास और राम जी के रोल में ऋतिक को चुना गया है। वहीं खबरें हैं कि लक्ष्मण के किरदार के लिए राजामौली ने ऋतिक के चेले टाइगर श्रॉफ को चुना है। वहीं सीता के रोल में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है, पर प्रभास के अलावा फिल्म में काम करने के लिए किसी ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। फिलहाल अभी तो फिल्म की कहानी पर ही काम चल रहा है और मेकर्स फिल्म को बड़ा और यादगार बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रावण एक मेगा बजट फिल्म होगी। इसका बजट करीब 600 करोड़ रुपए का है और इसे हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। पर अगर बात करें फिल्म की रिलीजिंग डेट की तो फिलहाल फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है और स्टार कास्ट ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, जिससे फिल्म को आने में भी काफी समय लग सकता है। पर प्रभास और ऋतिक के फैंस उन्हें एक साथ देखने के लिए अभी से ही काफी एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऋतिक और प्रभास की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।